दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज और जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ हार के बाद बौखला उठे मुंबई के खिलाड़ी, हार की वजह बताते हुए किया करोड़ों देशवासियों को हैरान। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ और मुंबई के बीच खेले गए रोमांचक मैच में लखनऊ की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद मुंबई के खिलाड़ी बौखला उठे हैं। इस बीच हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह से लेकर ईशान किशन, तिलक वर्मा ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार मुंबई की हार के बाद मुंबई के तमाम खिलाड़ियों ने क्या कहा है तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह में कौन है मुंबई की टीम का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लखनऊ और मुंबई के बीच लखनऊ के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें मुंबई की टीम मैच को हार गई। इस मैच में मुंबई की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 144 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए और इसका पीछा करते हुए लखनऊ की टीम ने 59 रन 2 विकेट खोकर बनाए और उसके बाद लगातार बेहतर बल्लेबाजी करते हुए मैच को अपने नाम कर लिया। जहां पर आज मुंबई की टीम की तरफ से निहाल वडेरा ने सर्वाधिक 46 रन का योगदान दिया, वहीं टीम डेविड को 35 रन बनाने का मौका मिला। ऐसे में मुंबई की टीम को मिली हार के बाद मुंबई के तमाम खिलाड़ियों ने सनसनी मचा देने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें ईशान किशन ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में मुंबई की टीम को मिली हार के बाद मैं काफी ज्यादा निराश हूं। जिस प्रकार से आज मुंबई की टीम का प्रदर्शन काफी ज्यादा खराब तरीके से देखने को मिला है, वह बताता है कि इस मैच में मुंबई की टीम में जीत दर्ज करने का काम नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, इस मैच के अंदर मुंबई की टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा खराब बल्लेबाजी के साथ गेंदबाज ने भी काफी ज्यादा निराश किया है। इतना नहीं, कप्तान हार्दिक पांड्या ने खराब कप्तानी, बल्लेबाजी और गेंदबाजी के जरिए सभी को दिक्कत में डाला, जिसके चलते आज मुंबई की टीम को इस मैच के अंदर लखनऊ के खिलाफ बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं तिलक वर्मा ने बयान देते हुए कहा कि दिल्ली की टीम के खिलाफ हार के बाद हमें उम्मीद थी कि हमारी मुंबई की टीम इस मैच के अंदर बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज करेगी, लेकिन जिस प्रकार से इस मैच के अंदर मुंबई की टीम के खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है, वह बताता है कि मुंबई की टीम को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि मुंबई की टीम की तरफ से इस मैच के अंदर कप्तान हार्दिक पांड्या ने काफी ज्यादा खराब बल्लेबाजी की, साथ में काफी ज्यादा खराब गेंदबाजी की। इतना ही नहीं, उन्होंने काफी ज्यादा खराब कप्तानी करते हुए इस मैच में मुंबई की टीम को हार के करीब ले जाने का काम किया, तो ऐसे में हार्दिक पांड्या को कप्तानी से भी हटा देना चाहिए। वहीं जसप्रीत बुमराह ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच में मुंबई की टीम को हार्दिक पांड्या की खराब बल्लेबाजी, गेंदबाजी और कप्तानी के चलते हार का सामना करना पड़ा और लखनऊ की टीम के खिलाफ हमारी टीम के बेहतर गेंदबाजी गेंद पड़ सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आज खराब कप्तानी करते हुए सभी को निराश किया, वो बताता है कि मुंबई की टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या की जगह रोहित शर्मा को देकर मुंबई की टीम को फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हार्दिक पांड्या अगर बेहतर बल्लेबाजी करने के साथ बेहतरीन गेंदबाजी करते, साथ में अपनी शानदार कप्तानी से सभी को प्रभावित करते तो मुंबई की टीम को इस मैच में लखनऊ के खिलाफ हार का सामना करना नहीं पड़ता। वहीं हार्दिक पांड्या ने बयान देते हुए कहा कि मुंबई की टीम को इस मैच के अंदर मिली हार के बाद मैं काफी ज्यादा निराश हूं। इस मैच के अंदर मुंबई की टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा खराब बल्लेबाजी की, साथ में गेंदबाजों ने भी कुछ खास कमाल नहीं किया, जिसके चलते मुंबई की टीम इस मैच में हार का सामना करती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि मुंबई की टीम की तरफ से इस मैच के अंदर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह बेहतरीन प्रदर्शन करते तो मुंबई की टीम को इस मैच के अंदर जीत मिल सकती थी, लेकिन इनका बेहतर प्रदर्शन न कर पाना मुंबई की टीम की हार का मुख्य कारण बना। ऐसे में अब अगले मैच में हमारी टीम को बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में मुंबई की टीम की हार का मुख्य कारण क्या रहा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।